वायरस वायरस वायरस, ये शब्द हर जगह आजकल फैला हुआ है। बच्चे बच्चे की जुबान पर कोविड वायरस का नाम है। तो चलिए वायरस के बारे में कुछ जानते हैं। वायरस होता क्या है, वो दिखता कैसा है और वो बॉडी पर कैसे अपना असर दिखाता है, तो चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। असल में वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि बैक्टीरिया से भी 100 गुना छोटा है। इसका साइज इतना छोटा होता है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 20 से 300 नैनोमीटर। हमारी आंखों से तो दिखेगा नहीं, इसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और तो और ये एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है जिसकी वजह से वो खुद का प्रोटीन नहीं बना सकता। प्रोटीन बनाने के लिए उसको होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। वायरस को अपने वाइटल फंक्शंस को पूरे करने के लिए एक होस्ट सेल की ज़रूरत होती है, चाहे वो एनिमल सेल हो या तो प्लांट सेल। अगर उसको ये होस्ट सेल नहीं मिला तो वो हम वायरस को इनएक्टिव कंसीडर करते हैं। अब बात आती है वायरस की सबसे महत्वपूर्ण बात की। वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी डीएनए या तो आरएनए। कभी भी वायरस के अंदर डीएनए आरएनए साथ में नहीं होगा, या तो उसमें डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, जिसके अंदर वो जेनेटिक मटेरियल है जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ते हैं। जैसा कि हम बात करें कोविड-19 वायरस की, उसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और ये जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड ऐसे प्रोटीन के कोटिंग से कवर होता है जिसका नाम है कैप्सिड। और कैप्सिड एक ऐसा प्रोटीन है जिसकी मोनोमर यूनिट है कैप्सोमर। जब कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड की जब टुगेदर लिंकिंग हो जाती है तो उनको हम न्यूक्लिक कैप्सिड भी बोलते हैं। और तो और कुछ वायरसेस में एनवलप नाम की भी कवरिंग पाई जाती है जो कि वो होस्ट बॉडी से लाते हैं। उससे क्या होता है, वायरस को एक अलग ही टाइप की इम्यूनिटी मिलती है और उन वायरस को हम बोलते हैं एनवलप्ड वायरस। और जिनमें ये एनवलप नहीं होता उनको हम नेकेड वायरस से भी जानते हैं। एनवलप की बाहरी सतह पर भी एक ग्लाइकोप्रोटीन की सब यूनिट्स पाई जाती हैं जिसकी कुछ प्रक्रिया स्पाइक्स की तरह होती है, प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स की तरह, और उनको हम पेप्लोमर्स के भी नाम से जानते हैं। ये प्रोटीन हमारे होस्ट सेल के प्रोटीन्स में जाके एंटर करते हैं और हमारे हेल्दी सेल्स को मार देते हैं जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो ये था पूरा वायरस के बारे में। आशा करता हूँ हमारी नॉलेज आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।